बच्चों को सारे प्यारे से बच्चों को सेल्स से बुलाती हूँ क्लास नाइन्थ ना कंपेरिटिवली के भी और एट्थ के भी डिफिकल्ट लिटरली डिफिकल्ट है नाइन्थ से ना आपकी थोड़ी सी टफ हो जाती है स्टडीज और नाइन्थ और टेंथ ना आपका बेस बनाता है इनके चैप्टर्स वगैरह जितना भी सिलेबस है वो आपके इलेवेंथ से मैच करता है और टेंथ का जो सिलेबस है वो आपके ट्वेल्थ से मैच अप करता है नथिंग कैन बी अचीव विदाउट योर हार्ट अपोज ऐसे नहीं बन जाते हैं उनके अंदर एंथजियाज होता है क्यूरियोसिटी होती है हर हर दिन कुछ नया जानने की हर दिन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज ट्राई करने की हर दिन पढ़ने की इस क्लास में क्योंकि नाइन्थ आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा कितने लंबे आर्स तक आप पढ़ सकते हो किस तरीके से आपको एडवांस लेवल की पढ़ाई करनी है हर एक चीज़ दिखाएगा क्योंकि कैसे हो आप सब आई होप सब बहुत अच्छे होंगे सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी और माइंड भी आपकी मस्ती भी बहुत अच्छी चल रही होगी मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम बायोलॉजी मास्टर टीचर एट तो आपका अगर आप पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो तो बॉम वेलकम है आपका चैनल पे लेट मी टेल यू मैं अपने बच्चों को सारे प्यारे से बच्चों को सेल्स से बुलाती हूँ तो आज अगर आप पहली बार मेरा सेशन अटेंड करो तो आज से आप मेरे सेल्स घोषित किए जाते हो तो आज मैं आपको ना ऐसी अल्टीमेट टॉपर टिप्स बताने वाली हूं जो आप उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी क्लास एट से क्लास नाइन्थ में मूव करने वाले अगर आप ये चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इसे सब्सक्राइब कर लो आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो कि भाई इसी चैनल को फॉलो करके उनका कितना भला हुआ है क्लास नाइन्थ में इवन आप अपनी क्लास टेंथ के सीनियर से भी पूछ सकते हो कि इसी चैनल को फॉलो करके क्लास नाइन टेन टेंथ वेदांतु का अलग चैनल जिसमें हम स्पेसिफिकली टेंथ पे फोकस करते हैं वेदांतु क्लास नाइन्थ का ये वो चैनल है जिसमें हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स पे फोकस करते हैं तो आज मैम आपको वही बताने वाली हैं एट्थ तो जब आप एट्थ से नाइन्थ में मूव करोगे ना तो बहुत सारा डर भी होगा कि इतनी टफ क्लास है कैसे सब कोपअप करेंगे कैसे सारी पढ़ाई करेंगे तो ये पढ़ाई में आपको हेल्प करने के लिए तो मैं हूँ मैं आपको बायो पढ़ाऊंगी लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपको और क्या क्या चीज़ें फॉलोअप करनी है अपनी नॉर्मल डेली रूटीन्स में जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज मैं आपको वही बताने वाली तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन चेकआउट कर रहे हो ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट सी टिप ना छूट जाए चलो लेट्स बिगिन आर सेशन लेकिन उससे पहले जरा मैं अपने सारे प्यारे से बच्चों को एक इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ ये नाइन्थ बच्चों के लिए भी है जो एड्थ से अभी नाइन्थ में मूव किए हैं सेवेंथ से एटथ में मूव किए हैं नाइन्थ से टेंथ में मूव किए टेंथ से इलेवेंथ में इलेवेंथ से ट्वेल्थ में एंड इवन ट्वेल्थ के बाद आप फर्दर अपनी जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उन सारे ही बच्चों के लिए वेदांतु लेकर क्या है वेदांतु का लर्निंग सेंटर जो कि कुछ इन सारे स्टेट्स में इन सारी प्लेसेस पे अवेलेबल है अगर आपको इंक्वायरी जाननी है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो एंड इवन लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसको क्लिक करके आप इनकी डिटेल्स भी जान सकते हो अब मैं इसके बारे में आपको इसीलिए बता रही हूँ ना क्योंकि ये वेदांतु लर्निंग सेंटर जहाँ आपको क्वालिफाइड टीचर्स प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे आपको ग्रेट कंटेंट भी एंड साथ साथ में आपका डे टू डे प्रैक्टिस और रिग्रेस टेस्ट भी करवाया जाएगा इन्हीं पर्टिकुलर

ट्वेल्थ एंड उसके बाद भी फोड़ने में मस्त हेल्प करने वाला है तो मेक श्योर sure, जरूर करना कि आप इंक्वायरी इनकी जरूर ले लें इनका जो लिंक है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है इवन मैंने आपको नंबर भी बताया और इन सारे लर्निंग सेंटर्स के बारे में आपको बताने के लिए आपकी जीत की राह डिसाइड करने के लिए आपके सारे मास्टर टीचर्स आने वाले हैं इन्हीं पर्टिकुलर प्लेसेस में हैदराबाद पुणे दिल्ली, पटना एंड भुवनेश्वर सबसे पहले जो वो आने वाले हैं आपके पूना में सॉरी भुवनेश्वर में सेवनटीन्थ को ट्वेंटी वन को पुणे में ट्वेंटी थर्ड को डेली में थर्टी वन को पटना में एंड 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 एक एक और होना चाहिए हाँ ये चार जगह पे आने वाले हैं आपके प्यारे से सारे मास्टर टीचर आपको कैरियर गाइडेंस देने के लिए कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है क्या क्या चीजें आगे अपने फ्यूचर में आपको फॉलो अप करनी है दिमाग में रखनी है जिससे आपकी कोई भी गलती ना हो और आप आगे चल के अपने आई आई जेई का भी पेपर क्वालिफाई कर पाओ एंड इवन अपने नीट का पेपर भी क्वालिफाई कर पाओ तो अगर आपको अपने

क्या क्या चीजें आपको इन फ्यूचर में फॉलो अपनी तो जरूर, जरूर अटेंड करो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम वो टॉपर की टिप्स जो आपको फॉलो करनी है अगर आप अभी एट से नाइन्थ में जा रहे हो नाइन्थ से ना आपकी थोड़ी सी टफ हो जाती है स्टडीज और नाइन्थ और टेंथ ना आपका बेस बनाता है नाइन्थ एंड टेंथ बेस कैसे बनाता है नाइन्थ की स्टडीज जो है ना नाइन्थ के चैप्टर्स वगैरह जितना भी सिलेबस है वो आपके इलेवेंथ से मैच करता है और टेंथ का जो सिलेबस है वो आपके ट्वेल्थ से मैचअप करता है तो अगर आप अभी नाइन्थ एंड टेंथ को लाइटली ले लोगे हल्का फुल्का ले लोगे अरे नाइन्थ के तो मार्क्स नहीं जोड़ेंगे क्या करना है कुछ नहीं है ये है वो है तो आपका बेस ना जो आपका बेस बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं बन पाएगा और फिर आगे जा करके जब आप अपनी हायर स्टडीज़ करोगे तो जब बेस ही क्लियर नहीं है तो एडवांस चीज़ें कैसे समझ में आएंगी तो सबसे पहली चीज़ है ऑर्गनाइज रहना सिलेबस ज़रूर चेकआउट कर लेना कि हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना सिलेबस है क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है उन सबको बताने के लिए

नेक्स्ट आपको यही बोलूंगी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज को ट्राई करते रहो उसमें पहली न्यू अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको वेदांतो लर्निंग सेंटर के बारे में बता दिया है जो कि आपका टॉप नॉच होने वाला है जहां पे आपको हर एक तरीके का कैरियर गाइडेंस मिलने वाला है हर एक तरीके का क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है जहां वो आपको नाइन्थ एंड टेंथ में हेल्प करने वाले हैं साथ साथ में आपके फाउंडेशन में हेल्प करने वाले इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में हेल्प करने वाले अगर आपने इन, अगर आप इनसे जुड़ते हो ना तो मैं तो बिल्कुल अश्योरेंस दे रही हूँ कि आप जरूर फोड़ करके आओगे नेक्स्ट चीज जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि नथिंग कैन बी अचीव विदाउट योर हार्डवर्क यहाँ पे ना आपको हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है टॉपर्स ऐसे नहीं बन जाते हैं उनके अंदर एंतुजिया होता है क्यूरियोसिटी होती है हर, हर दिन कुछ नया जानने की हर दिन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज ट्राई करने की हर दिन पढ़ने की कंसिस्टेंसी आपका बिहेवियर और कंसिस्टेंसी मैटर करेगा आपके नाइन्थ क्लास में क्योंकि नाइन्थ आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा कितने लंबे आर्ट्स तक आप पढ़ सकते हो किस तरीके से आपको एडवांस लेवल की पढ़ाई करनी है हर एक चीज दिखाएगा क्योंकि यहीं से ही आपका बेस स्टार्ट होता है तो प्लीज़ मेक श्योर मत कर, करना मत श्योर घन प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप गलती से भी नाइन्थ को हल्के में नहीं ले रहे हो बायो को मैं पढ़ाऊंगी बायो को ईजी बनाना मेरा काम है वो तो मैं पक्का बनाने वाली हूँ

अच्छे से पढ़ना केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना बायो अच्छे से पढ़ना मैथ्स अच्छे से पढ़ना ये सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश और एस को तो भाई एस तो सुरभि मैम ओ हैं जिसको आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके उनके सारे सेशन अटेंड कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं अटेंड करें तो आप उनके सेशन चेकआउट कर सकते हो नाइन्थ में आपकी इंग्लिश के लिए आपका बेड़ा पार लगाने के लिए आपकी ओशन मैम है जिनसे अच्छा टीचर तो मुझे लगता नहीं है होगा ऐसा और रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तो हम सब आपके साथ है ठीक है कुछ नहीं करना है इतना डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है हार्ड है लेकिन उसको इजी बनाना हमारा काम है बस आपको हम पे फेथ रखना है और जैसे जैसे हम जिस तरीके से आपको बोलेंगे उसी तरीके से अपने आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है और लास्ट में आपसे मैं यही चीज बोलूंगी कि भाई स्टडीज पे फोकस रखना फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर क्लास वो चाहे आपके स्कूल में कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो चाहे हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं उनपे आपको टाइमली फोकस रखना है कंसिस्टेंसी रखनी है ये नहीं कि भाई एक दिन छह घंटे पढ़ लिया एकदम मोटिवेशन के साथ कि मैम ने तगड़ा मोटिवेशन दिया एक दिन खतरनाक पढ़ लूंगी दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ा उससे नहीं भला होने वाला ठीक है चलो तो ये सारे टॉपर टिप्स आपको दिमाग में बैठा लेने हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टिल द एंड ऑफ द ईयर तभी आपका बेड़ा पार होगा और अगर आपको ऐसे ही सारे अमेजिंग सेशन और एकेडमिक कंटेंट के डे टू डे अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना जिसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और अगर आपको अपनी मैम को पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो खुशबू अंडर भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है एंड अब जल्दी से जरा जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर लो ताकि जो अभी आपके सारे फ्रेंड्स नाइन्थ में आए उनका बेड़ा पार हो जाए एंड मेक श्योर जरूर करना कि आप सेशन को लाइक कर दो अब हम ऐसे ही फिर मिलेंगे चलते चलते नेक्स्ट अमेजिंग से सेशन में तो बाय एंड टेक केयर